यूपी में चुनावी मौसम है और ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती एक बार फिर से एक्टिव हो गई हैं। उन्होंने ट्विटर पर अपनी एक्टिवनेस दिखाई और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने राज्य की भाजपा सरकार की तरफ से करवाए जा रहे वैश्विक निवेशक सम्मेलन की जोरदार तैयारियों पर तंज कसते हुए बुधवार को कहा कि ये कोशिश सिर्फ कृषि भूमि और राजनीतिक और चुनावी स्वार्थ तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। एक के बाद एक ट्वीट करके मायावती ने सरकार पर हमला बोला। पहला ट्वीट करते हुए मायावती ने लिखा कि उत्तर प्रदेश में बसपा सरकार में लोगों को रोजगार और बुनियादी सुविधाओं से युक्त नए पक्के मकान और भूमि भी मुफ्त में लाखों परिवारों को आवंटित करके गरीबों का जीवन धन्य होते हुए सभी ने देखा, मगर पहले सपा और अब भाजपा सरकार में वैसी खास प्रगति क्यों नहीं हो रही है। वहीं दूसरा ट्वीट करते हुए कहा गया कि भाजपा सरकार द्वारा अगले साल फरवरी में प्रस्तावित वैश्विक निवेशक सम्मेलन की तैयारियों का जिक्र करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में देसी और विदेशी पूंजी निवेश के लिए सरकार का अनवरत प्रयास जरूरी है, लेकिन ये केवल खेती भूमि के अधिग्रहण तथा राजनीतिक एवं चुनावी स्वार्थ तक सीमित नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश जैसे अति गरीबों के पिछड़े प्रदेश में डबल इंजन की सरकार में वैसी ही तेज प्रगति भी लोगों को दिखनी चाहिए। बसपा अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश की समग्र प्रगति, विकास और लोगों की रोजी रोटी के साथ ही उनकी सुरक्षा एवं आत्मसम्मान के लिए बसपा की हुकूमत में जो कुछ खास काम हुआ है वो अपने बलबूते पर किया गया। यमुना के साथ गंगा एक्सप्रेसवे और जेवर हवाई अड्डा भी तब बन जाता अगर केंद्र की कांग्रेस सरकार ने थोड़ा सहयोग किया होता। जाहिर है कि मायावती इस वक्त बीजेपी पर लगातार ट्विटर के जरिए हमले कर रही हैं। समझने वाली बात यह है कि इतनी एक्टिवनेस के पीछे ये वजह है कि वो वापस से अपनी मौजूदगी दर्ज करवाना चाहती हैं या फिर कोई और राजनीतिक वजह। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।